अयोध्या के जिला चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत जिलाधिकारी अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी सीएमओ समेत दलबल के साथ अचानक जिला अस्पताल फैजाबाद पहुंच गए, जहां सबसे पहले मरीजों से बात करने के बाद पता चला कि जिला अस्पताल के डॉक्टर बड़ी संख्या में मरीजों को बाहर की दवा लिख रहे हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी ने चिकित्सकों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। वहीं जिलाधिकारी दलबल के साथ एक्सरे रूम में पहुंचे तो वहां मरीजों ने पैसे लेकर एक्सरे करने की शिकायत की, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने एक्सरे कर्मियों को जमकर लताड़ा। जिलाधिकारी की माने तो जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में बाहर की दवाइयां लिखी जा रही है, साथ ही एक्सरे करने के नाम पर मरीजों से घूस लेने की शिकायत को लेकर भी जाँच पड़ताल की गयी, जिसमे संबंधित लोगों को कड़ी चेतावनी दी गयी है, साथ ही कार्रवाई के लिए शासन को भी लिखा जाएगा। औचक निरीक्षण किया गया, उसमें कई कक्षों में ये देखा और खास करके जो जहाँ पे दवा वितरण का जो काउंटर था उस पर मैंने बहुत विस्तार से कई मरीजों से बात किया और कई कक्षों में ये बात निकल के आई कि उनके डॉक्टरों के द्वारा बाहर से प्राइवेट दुकान से दवा लिखने के लिए पर्चियाँ जो हैं वो उनको बना करके अलग से दिया जा रहा था। ऐसे तकरीबन 10-11 मरीज का हमने डिटेल उनका अंकित किया और फिर एक एक करके उन कक्षों में जाकर के डॉक्टरों से भी पूछताछ करी तो वो बात सच निकली कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो है पर्चियाँ वो बनाई जा रही थी प्राइवेट की। डॉक्टरों को इसके लिए काफ़ी जो है उन्हें बहुत सख्त चेतावनी दी गई है और इसके लिए हम लिखित प्रदत्त करके शासन को भी भेजेंगे कि ऐसे जो हमारे चिकित्सक हैं उनके खिलाफ़ शीघ्र कार्रवाई करें। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सचेत कर दिया गया है कि अगर दोबारा ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आएगा तो उन पर मुकदमा दर्ज करके उस पर कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी।